पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा व पूर्व प्रांत अध्यक्ष लेखराज की मौजूदगी में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उसके उपरांत जवाहर पार्क सुंदरनगर से सुंदरनगर शहर के बीचों बीच पथ संचालन करके शांति, सत्य, अनुशासन और निष्ठा का परिचय दिया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी ने नगर परिक्रमा के दौरान स्वयं सेवकों पर फूल की बरसात भी की। इस अवसर पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया और संघ के बच्चों ने भक्ति अंदाज में गीत प्रस्तुत करके लोगों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र हित के लिए काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए लेखराज राणा ने कहा कि आज के दिन ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था और समाज में संदेश दिया था कि सदैव सच्चाई की जीत होती है। उन्होंने अपने संबोधन में आह्वान किया कि स्वयंसेवक भी राष्ट्र हित में काम करें और जो इतिहास उसको मद्देनजर रखते हुए समाज हित के लिए कार्य करने के लिए एकजुट होकर आगे आए। उन्होंने कहा कि हिंदू सबसे पहले आया था, बाकी सब उसके बाद आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ है, उन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने भी आज माता सिद्धिदात्री की उपासना करके इस भारत भू को दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प आज ही के दिन लिया था। तो आज का दिन हम भी अनेक प्रकार की है, जो प्रेरणा देने वाला दिन है, इसको हम यहां पर एकत्र होते हैं शस्त्र पूजन करते करके। इस विजयशाली दिवस का हम स्मरण करते हैं, विश्व गुरु था, हमें श्रेष्ठ कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। वहीं सोलन में भी स्थापना दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में लगभग 500 संघ सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सोलन के दुर्गा भवन प्रांगण से किया गया। इस अवसर पर देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए शस्त्र पूजा की गई। इस अवसर पर संघ सेवकों द्वारा पूरे शहर में मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रांत प्रचारक संजीवन ने उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं को संघ की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई। संघ की नीतियां, उस पर कार्य करने सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। प्रांत प्रचारक संजीवन ने कहा कि विजयदशमी का त्योहार सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। देश की एकता अखंडता के लिए सभी राष्ट्र हित में सोचने का दिन है। उन्होंने कहा कि 1925 में संघ की स्थापना की गई थी, 93 साल पूरे होने तक ये संघ पूरे देश भर में व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि संघ सेवक देश सेवा की भूमिका अदा करके देश को महान बनाने का काम करेंगे। संघ सज्जन शक्ति का निर्माण करके समाज के अंदर गुणवत्ता निर्माण करने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो, सज्जन शक्ति का प्रकटीकरण हो, तो समाज में गांव-गांव में संघ की शाखाएं चलती हैं, जब वहाँ देशभक्ति, हिंदुत्व, अनुशासन, सेवा का संस्कार, ये जागृति का संस्कार स्वयंसेवकों को मिलता है। तो गांव-गांव में चलने वाली शाखाओं के द्वारा हम ये अपेक्षा करते हैं कि स्वयंसेवक समाज में एक अच्छा जीवन जिए, उसके जीवन से प्रेरणा लेकर उसके घर में, समाज में परिवर्तन आए, सब लोग मिलकर समाज के अंदर संगठन निर्माण करें। कोई किसी भी मार्ग से पूजा कर सकता है, सब ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन सब भारत माँ की संतान है। ये राष्ट्रीय भाव समाज में लाने का संघ काम कर रहा है।